आजकल जागधार क्षेत्र व नैनबाग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकल चुके हैं क्षेत्र भ्रमण के लिए। क्षेत्र में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई जा रही है। गढ़वाल मंडल विकास नगर के अध्यक्ष महावीर सिंह रांगड़ आजकल क्षेत्र प्रवास में हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता करने में बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि मोदी के कुशल कार्य को देखकर क्षेत्र में मोदी लहर होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने वाले लोग काफ़ी मात्रा में सामने आ रहे हैं। महावीर सिंह रांगड़ ने कहा कि मोदी जो बड़े बड़े काम कर रहा है, इससे परदेशी नहीं बल्कि देश में भी मोदी और अमित शाह का डंका बजा हुआ है। अनुच्छेद धारा 370 35 ए से क्षेत्र में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब तुरंत ही राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसी बीच पत्रकार सुभाष बुनियाल ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जानना चाहा कि क्या राम मंदिर बनना संभव है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी है तो राम मंदिर बनना संभव है। लाइव उत्तराखंड के लिए टिहरी से सुभाष बुनियाल की रिपोर्ट। शुरू से अपने संगठन पूरे देश में सदस्य अभियान का कार्यक्रम चल रहा है और मुझे भी 7 दिन अपने क्षेत्र में रहना है सदस्य अभियान के कार्यक्रम में। उसी कार्यक्रम को देखते हुए मुझे आज नैनबाग मंडल में लालूर और इस नैनबाग क्षेत्र का भ्रमण हुआ और बड़ा उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर है। अपना संगठन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत जी, मंडल के दोनों महामंत्री बड़े एक्टिव इस क्षेत्र में संगठन के गांव-गांव घर घर जाके अभियान को चला रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का बातों देश के अंदर जो भी सत्र गया दिल्ली के लोकसभा का सत्र रहा, निश्चित रूप से उसका उत्साह लोगों के अंदर है। और जो निर्णय चाहे कश्मीर वाला विषय है, गांव-गांव घर घर में बड़ा उत्साह है। सब लोग भारतीय जनता पार्टी में बड़ा अच्छा माहौल है और सब लोग सदस्य ग्रहण कर रहे हैं। जी सर, सर धारा 370 के विषय में आपको क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि इतिहास में पहली दफ़ा नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा निर्णय लिया। ये निर्णय अगर पहले हो जाता तो थोड़ा और बेहतर हो सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया और देश की जनता बड़ी खुश है। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।